हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मैक्सटर गेमिंग। और आज जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है विल पबजी बैन इन इंडिया। ओके, तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे पबजी बैन होगा नहीं होगा, आप अपनी क्या राय रखते हो। तो मैंने सोचा कि आप सबको अलग से बताने के बजाय बेटर है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को एक बेटर आइडिया आ जाए और मैं क्या सोचता हूँ मैं आपके साथ में शेयर करूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया की सिक्योरिटी की बात आती है तो डेफिनेटली मेरे लिए अपने देश की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो पबजी के कारण सिक्योरिटी थ्रेट है तो आई विल डेफिनेटली से कि पबजी बैन होना चाहिए। अब बात करते हैं अलग, ठीक है। अब हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि होने वाला है या नहीं होने वाला है, वेदर इट्स अ थ्रेट और नॉट फॉर इंडिया। ठीक है, तो गाइस मैंने कुछ सर्च भी किया अपनी तरफ से कि कौन से ऐप्स अभी बैन होने वाले हैं एंड किस टाइप के ऐप्स हैं और कितने ऐप्स बैन होने वाले। तो आई लेट यू नो कि 59 ऑलरेडी ऐप बैन हो चुका है और इमीडिएटली 47 ऐप लिस्ट है जो बैन होने के लिए रिव्यू में है। ठीक है, और टोटल 275 ऐप्स बैन होने वाले। तो इसमें पबजी आता है नहीं आता, इस पर थोड़ा मैंने सर्च किया ऑनलाइन, तो आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या मुझे मिला। ओके, लेट्स गो गाइस। फ्रेंड्स, तो ये रहा इकोनॉमिक टाइम्स का पेज, ये आज का है जैसा आप देख सकते हो कि 275 मोर चाइनीज एप्स ऑन इंडिया रडार लिस्ट इंक्लूड्स पबजी रेसो। ओके, तो अभी ये देखो आज July 28, 2020 का है ये। ठीक है, आज शाम के 6:18 PM का। ओके, अब इसमें तुम देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है कि इंडिया हैज ड्रॉन अप अ लिस्ट ऑफ 275 चाइनीज ऐप दैट इट विल एग्जामिन फॉर एनी वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड यूजर प्राइवेसी। ओके, अब यहाँ देखने वाली चीज ये है कि इट विल एग्जामिन। ओके, तो ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये बैन ही होने वाला है, एग्जामिन होने वाला है। ओके, अब इसमें दूसरी चीज है इंक्लूड गेमिंग ऐप पबजी। अच्छा, द लिस्ट रिव्यूड बाय ईटी इंक्लूड्स गेमिंग ऐप पबजी। ओके, पबजी यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब गवर्नमेंट मे बैन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट मे बैन ऑल सम और नन ऑफ द लिस्ट सेड वन पर्सन साइटेड अबव। ओके, अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये इनमें से कोई होने वाला नहीं होने वाला है या फिर ये सब होंगे या कोई भी नहीं होगा। ओके, अब व्हाट आई मीन टू से कि श्योरिटी किसी चीज की नहीं है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। और दूसरा और यहाँ एक्सपोज पर्सन फॉर द यूनियन होम मिनिस्ट्री डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी फ्रॉम ईटी ऑन द डेवलपमेंट्स। ओके, हाउ ऑफिशियल सोर्सेस सेड रिव्यू एम्ड एट आइडेंटिफाइंग मोर चाइनीज ऐप एंड देयर फंडिंग इज अंडर वे। मतलब कोई ऑफिशियल कहीं से कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये जस्ट अभी न्यूज़ निकली है, कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं है। तो ये इस न्यूज़ से आपको पता चल रहा है। ठीक है, लेट्स गो फॉर अनदर वन। तो आई वाज क्यूरियस कि 47 कौन से ऐप रहने वाले, एंड फॉर दैट मैं सर्च कर रहा था गूगल में कि कौन से ऐप रह सकते हैं। तो दिस वाज द वन 49, आप देख सकते हो 49 ऐप्स बैंड लिस्ट। ओके, तो इसमें सर्च किया तो टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला आया हुआ है। ओके, न्यूज़ तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, गवर्नमेंट बार्स 47 क्लोन्स ऑफ बैंड चाइनीज ऐप। अच्छा, ये हेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, गवर्नमेंट बार्स 47 क्लोन्स ऐप्स ऑफ बैंड ऐप्स, मतलब बैंड चाइनीज ऐप्स, मतलब जो बैन हो चुके उनके क्लोन है ये 47। ठीक है, और थोड़ा डीप में जाते हैं तो इसमें देखते हैं, द गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन चाइनीज ऐप्स कंटिन्यूज विद द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बैनिंग 47 ऐप्स। द मूव कम्स नियरली अ मंथ आफ्टर बैन ऑफ 59 चाइनीज ऐप्स टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन ब्लॉक टू 106। मतलब पहले के 59 अभी के 47 मिला के 106 ऐप बैन हो रहे हैं। ओके, अब द न्यू ऐप्स इंक्लूड्स क्लोन्स एंड डिफरेंस वर्जन्स ऑफ द सेम ओरिजिनल। अच्छा, ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, the new apps includes clones and different version of the some of the original apps. Original apps कौन से, जो already ban हो चुके हैं। ठीक है, तो ये उनके clone app है 47। मैं I am not saying कि PUBG होगा नहीं होगा, but
पबजी का नाम आ रहा है बट नथिंग इज श्योर द रीजन. अब ये एक लाइन दे, द रीजन रिमेन्स द सेम एज वॉज गिवन प्रीवियसली. द आई टी मिनिस्टर एंड द रिसीविंग रिसीव्ड अ डायरेक्शन फ्रॉम द होम मिनिस्टर ऑफ द एक्शन and after this it was decided to act against them, a source said, adding the order was issued on Friday. Okay, it is believed that the government is the government closely scrutinizing the app that have been Chinese bearing. This includes stop gaming app PUBG by Chinese internet giant Tencent. Okay, तो अब कहने का मतलब ये है कि अभी ये चाइनीज एप्स में आता है, इसके कारण इसे देखा जा रहा है. तो फ्रेंड्स, फाइनली कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि पबजी जो है एक्चुअली ब्लू होल की कंपनी ने डेवलप किया था, दैट इज अ कोरियन कंपनी, साउथ कोरियन, जिसे चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने राइट्स लिए चाइना पे रन करने के लिए. ठीक है, मतलब पहले पीसी में चलता था ब्लू होल के द्वारा एंड टेंसेंट ने मोबाइल के लिए चाइना में राइट्स ले लिए उसे. ओके, तो यू कैन से इट्स अ चाइनीज, इट्स लाइक कि है भी नहीं भी. ठीक है, अभी दूसरी चीज़ है कि सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है, बिकॉज कि जब आप पबजी इंस्टॉल करते हो, पबजी दो चीज़ मांगता है आपसे, एक माइक का परमिशन, दूसरा स्टोरेज के लिए. ओके, तो इन दोनों से सिक्योरिटी थ्रेट तो मुझे नहीं लगता है. फिर भी एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट का कॉल होता है, वो क्या करना चाहती है आगे. ठीक है, एंड सिक्योरिटी थ्रेट तो मुझे नहीं लगता, बट अगर मान लो ये कह सकते हैं कि आजकल पेरेंट्स बहुत इससे परेशान हो रहे कि बच्चे एडिक्टेड हो रहे, कहीं और ध्यान नहीं दे रहे, तो दिस माइट बी रीज़न अगर बैन होता है तो. ओके, तो अब एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट का कॉल होता है कि क्या करना चाहती है गवर्नमेंट. तो वॉट एवर इट इज़, हमें अभी तक कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं है. कुछ भी क्लैरिटी मिलता है तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू. थैंक यू फ्रेंड्स.